Good afternoon, everyone. So today's my topic is design of strut. That is a part of V6M double input. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जिसपे हमको ये फॉलोइंग डाटा सुनना है गिवन है, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो स्ट्रट क्या होता है. सपोज ये वाला जो सेक्शन है, पर्टिकुलर जो हाइट है, सपोज किसी हाइट पे यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये होगा आपका कैपिटल एच और ये वाला है ये है आपका डेल एच, ठीक है? तो यहाँ पे हम पॉल्यूशन क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है? जनरली क्या होता है, जहाँ पे अपना ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिक्स जहाँ पे हम बनाते हैं वहां पे ऐसा जो है स्ट्रट यूज किया जाता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी जो अपना एयर है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर हाइट से क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं. तो ये वाला सेक्शन आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या बना है, डिटरमाइन द इफेक्टिव हाइट ऑफ स्ट्रट विद अ फॉलोइंग डाटा, ठीक है? तो फिजिकल स्ट्रट इज 180 मीटर 10, ओके? 10 मीटर क्या दिया होगा, उसका हाइट दिया होगा, ठीक है? डायमीटर, ठीक है, 0.95 मीटर डायमीटर, मतलब इसका जो हाइट है इस स्ट्रट का वो कितना दिया हुआ है हमको, 180 मीटर इसकी हाइट, ओके? और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, ये हमको कितना दिया है, 0.95, ओके? 0.95 मीटर हमको इसका डायमीटर है, ठीक है? विंड वेलोसिटी हमको वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है? कितनी वेलोसिटी से जो अपना एयर है वो अपर डायरेक्शन में पास हो रहा है, ठीक है? और एयर का जो टेम्परेचर है, एट द टेम्परेचर ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. दूसरा है बैरोमेट्रिक प्रेशर, ओके? कितने प्रेशर से अपना जो एयर है वो अपर साइड पे मूव हो रहा है, वो है 1000 मिलीबार. और स्ट्रट गैस वेलोसिटी, ठीक है, गैस की वेलोसिटी की है 11.12 मीटर पर सेकेंड. लास्टली ये हुआ है स्ट्रेस गैस टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये हम लिख लेते हैं इसकी गिवन डाटा पे, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट आपको क्या दिया, फिजिकल स्ट्रट इज हाइट, ओके? एच की वैल्यू है आपको 180 मीटर, ओके? फर्स्ट गिवन डाटा पे लेंगे. सेकेंड पॉइंट पे आपको दिया हुआ है इनसाइड डायमीटर, ओके? इनसाइड डायमीटर 0.95 मीटर, ओके? और आपका विंड वेलोसिटी, सिंपल सा आपको क्या दिया होगा, विंड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आपको दी है 2.75 मीटर पर सेकेंड. देन उसके बाद आपको क्या दिया होगा, एयर टेम्परेचर, ठीक है, एयर का टेम्परेचर दिया है, दैट मीन्स आपका टी ए एयर का टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपको दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब सेंटीग्रेड में इसको हम कैलकुलेट कैसे चेंज करते हैं, अगर कोई भी डाटा अपने पास सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, कैलकुलेट चेंज करने के लिए 20 प्लस 273, तो ये जो है आपको इसमें आ जाएगा कैलकुलेट में. और हम जब भी मैथ को सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, सेंटीग्रेड पे नहीं लेते हम, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? देन उसके बाद क्या है आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर, ओके? तो अपने पास पी की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर जो है अपने पास 1000 मिलीबार. प्रेशर की वैल्यू है 1000 मिलीबार. देन गैस स्ट्रट वेलोसिटी, मतलब अपने पास यहाँ पे क्या दिया है, गैस स्ट्रट वेलोसिटी, ठीक है? तो उसको क्या दिया है आपको, वेलोसिटी, और इसी की आपको गैस की दी हुई है, जिसे समझते हैं हम एक्स बताएं, 11.12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये आपकी स्ट्रट की वेलोसिटी है. देन उसके बाद स्ट्रट गैस टेम्परेचर, ओके? क्या है, गैस का टेम्परेचर दिया है, पीएस की वैल्यू दी है, ठीक है, 160
आपका टेम्परेचर दिया हुआ है गैस का, ठीक। तो हम क्या डाटा दिया हुआ है यहाँ से लेके, और सबसे बढ़िया वाला सेक्शन देखिए यहाँ पे टीएस की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलोरी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 273, ओके। तो 160 प्लस 273 ये आपका आ गया कैलोरी, ओके। तो जो जो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम क्या करें मैथमेटिक्स में यूज कर लिए हैं, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्ट इज 180 मीटर टेल 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 का हाइट दिया हुआ है 180। अगर इनको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है डाया, उसको रिनोट किए डायमीटर जिसे 0.95 मीटर, ओके। विंड वेलोसिटी, ठीक है, ये नॉर्मल आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, उसमें ना तो आपका एयर इन्वॉल्व है ना तो गैस इन्वॉल्व है, सिंपल सा आपको क्या दिया है विंड वेलोसिटी 2.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हुआ देन एयर का टेम्परेचर दिया हुआ है, एयर का टेम्परेचर, ठीक है। एयर का टेम्परेचर में यहाँ पे इसकी हम क्या किए हैं डाटा, ये आपका टेम्परेचर डीसी मोड की है और उसमें प्रेजेंट है एयर है, ठीक। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हम सेंटीग्रेड को किसने कन्वर्ट किए कैल्विन में कन्वर्ट किए, तो 20 प्लस 273 हम सेंटीग्रेड को कैल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं प्लस करते हैं, ओके। देन इसके बाद आपका क्या है बैरोमेट्रिक प्रेशर, ओके। तो प्रेशर कितना है अपना 1000 मिलीबार, उसके बाद है आपका स्ट्रेट गैस वेलोसिटी, ठीक है, गैस की वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे 11.12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है स्ट्रेट का जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है और अगर किसी ने दी है इसको कैल्विन में चेंज कर दिया, आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये हाइट ऑफ स्ट्रेट का फॉर्मूला होता है वो, ठीक। तो वो देखते हैं पहले हाइट ऑफ स्ट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइडेड बाय आपका नॉर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन गैस नॉर्मल वेलोसिटी इनटू आपका क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी इन गैस, ओके, टू नॉर्मल वेलोसिटी प्लस ये होगा आपका 1.5 इंटू 2.68 इंटू 10^-3 इंटू आपका प्रेशर एंड डायमीटर, ओके। यहाँ पे आपका प्रेशर कितना है, प्रेशर एंड आपका डायमीटर आ गया हुआ है, ये वाला डायमीटर, ओके। तो ये आपका प्रेशर एंड डायमीटर, देन उसके बाद आपका एयर का टेम्परेचर, देन स्ट्रेट का टेम्परेचर एंड अगेन आपका एयर का टेम्परेचर, ये है आपका फॉर्मूला बेसिक, ओके। बी एस इंटू आपका ये सेक्शन, ये है आपका नॉर्मल क्या है स्ट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है। जहां पे आपका लिख क्या है ये वाला सेक्शन वेलोसिटी गैस, ओके, जो कि आपको क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 11.12 वेलोसिटी इन गैस, ठीक है। जब उसके बाद क्या है आपका नॉर्मल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.75, ठीक है। देन आपको 1.5 2.68 10^-3 आपका प्रेशर, ठीक है, और डी जो है आपका डायमीटर, डी ए है टेम्परेचर और टी एस है स्ट्रेट का टेम्परेचर, ओके। इसको सिंपल कैलकुलेशन जब करते हैं तो आपका जो चेंजिंग हाइट आता है डी एस इतना दिया हुआ क्वेश्चन है आपको 11.12 इंटू नॉर्मल वेलोसिटी कितनी है आपको 2.75, ओके। ये आपका 1.5 प्लस 2.68 इंटू 10^-3 प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना दिया है आपको 1000, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.95, ओके।
एयर का टेम्परेचर आपके पास कितना है 20+273 माइनस आपको नॉर्मल कितना टेम्परेचर है स्ट्रेट का 160+273 देन अगेन आपको उसका टेम्परेचर दिया टेम्परेचर का ठीक है एयर का टेम्परेचर कितना है आपके पास 20+273 ठीक है इस पूरे सेक्शन को हम सॉल्व करते हैं पीएच तो आपका क्या होगा 8.92 लीटर ये आपको क्या होगा चेंजिंग हाइट की वैल्यू है ठीक है चेंजिंग हाइट और यहाँ पे हमको पहले ही क्वेश्चन में गिवन था कि अपने पास एच की वैल्यू दी हुई थी ठीक है एच की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में हमको 180 मीटर ठीक है 180 मीटर दी हुई है और कोई भी स्ट्रक अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ठीक है तो क्या होगा ये पर्टिकुलर हाइट देन ये पर्टिकुलर हाइट जब दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करेंगे एक्चुअल हाइट उसे मतलब जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं उसकी हाइट को ठीक है तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा टोटल इफेक्टिव हाइट ऑफ द स्ट्रक ठीक है तो टोटल इफेक्टिव हाइट ऑफ द स्ट्रक क्या होगा और आपका आंसर देना है।